गुड मॉर्निंग क्लास 8, दिस विल बी योर सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 2। बेटा ये चैप्टर 2 का आपका सेकेंड लेक्चर है जिसमें आप अकरेंस ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास सब जगह हैं, ठीक है, मतलब हर जगह है। यू कांट इवन इमेजिन वहां वहां पे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ये हर एक टाइप के क्लाइमेट में जिंदा रह सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे भी। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मतलब ये आइस कोल्ड टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं, एंड एकदम आग वाले एरिया मतलब बहुत गर्म टेम्परेचर्स में, मतलब वॉल्केनो इरप्शन जहाँ पे होता है वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ठीक है, जो इतनी हीट पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन एयर वाटर सॉइल फूड एंड इवन इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके हवा पानी खाना आपके अंदर सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है, सब जगह। तो आप ऐसे परेशान मत होना कि भैया मेरे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दे आर हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी बॉडी में जनरली रहते हैं, दे आर हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, मतलब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। और जब भी नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी में आ जाते हैं, आप तुरंत बीमार हो जाते हो, है ना, मतलब आपको फीवर आ जाएगा या आपको डायरिया हो जाएगा या कोई भी अलग सिम्टम आ जाएगा। वो इसीलिए हो जाता है कि आपका कोई अन मतलब जो आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में आ गया है, ठीक है। दे आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट्स, ठीक है, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, वेट ग्रासलैंड ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, एंड कोल्ड पोलर रीजन मतलब आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में भी पाए जाते हैं, ठीक है। दे कैन लिव इन एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन सॉइल एंड क्लाइमेट, ठीक है, मतलब ये एसिड्स एंड अल्कलाइन मतलब बेसिक आप पढ़ोगे चैप्टर्स अभी आगे आएंगे एसिड एंड बेसिस। तो बेटा एसिड एंड बेसिस दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। चलो फिर द एयर वी ब्रीद, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट ऑल हैव माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन अदर वर्ड्स दे आर ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो आप जो खाना खाते हो, हवा मतलब इनहेल करते हो, पानी पीते हो, इन सब में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हो, ठीक है। इसका इन शॉर्ट में लिखा हुआ है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह हो, ठीक है, सब जगह प्रेजेंट हो। चलिए फिर आ जाता है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन देयर ओन वाइल सम ग्रो ऑन और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बेटा विदाउट हैविंग अ होस्ट मतलब किसी और के बगैर जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव करते हैं। बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के बॉडी में जाने के बाद ही जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एंड ग्रो अलोन, ऑन द अदर हैंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एंड ग्रो इन कॉलोनीज, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेस सम अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट अराउंड देमसेल्फ। व्हेन द अनफेवरेबल कंडीशंस आर ओवर दे ब्रेक ओपन देयर सिस्ट एंड कम आउट। तो होता क्या है बेटा, अगर जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अगर ऐसा फील हो रहा है कि टेम्परेचर उसकी मतलब ग्रोथ से ज्यादा हो गया, मतलब जिसमें वो ग्रो कर सकता है उस टेम्परेचर से ज्यादा आपका अगर टेम्परेचर हो गया तो वो अपने अराउंड एक कवरिंग ग्रो कर लेगा, ठीक है। एंड अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब भी वो अपने अराउंड एक कवरिंग ग्रो कर लेगा, ठीक है। एंड वो कवरिंग वो तब तक रखता है जब तक कि उसे वापस से दोबारा से कंडीशंस फेवरेबल ना मिले, ठीक है। तो इस कवरिंग को हम सिस्ट बोलते हैं। ये जो सिस्ट है बेटा आउटर कवरिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सिस्ट होती है वो बेटा बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब उन पे टेम्परेचर का या प्रेशर का या किसी भी आउटर एटमॉस्फेरिक कंडीशन का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब अगर वो सिस्ट में चले गए हैं तो आप कह सकते हो दे आर मतलब दे कैन बेयर एनी टेम्परेचर, ठीक है, मतलब वो सर्वाइव कर लेंगे हर एक सिचुएशन को। अगर वो सिस्ट फॉर्म कर चुके हैं तो उनको मारा नहीं जा सकता, ठीक है। तो सिस्ट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से सुपर पावर है कि भाई ये सिस्ट में चले गए तो अब उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता।
ठीक है चलिए। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में आपका बस इतना ही। थैंक यू क्लास।